में एक हॉकी खिलाड़ी की मौत सर्पदंश से हो गई, लेकिन असल में इस खिलाड़ी की जान सर्पदंश ने नहीं, सिस्टम ने ली है। सिमडेगा का पूरा सिस्टम खाट पर नजर आया जब इस खिलाड़ी को उसके घर से लेकर अस्पताल पहुंचाने के लिए बस खाट ही सहारा रहा। सिमडेगा के लंबोई डेपोडिंग हॉकी सेंटर खिलाड़ी कोमली बेसरा को सांप ने काटा, लेकिन कोमली के घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था ताकि एम्बुलेंस या किसी और तरह से मदद उस तक पहुंचाई जा सके। किसी तरह प्रशासन पगडंडियों के सहारे उसके घर पहुंचा भी, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गांव वालों तो इस खराब सड़क के कारण पोस्टमार्टम के लिए भी इच्छुक नहीं थे, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो तैयार हुए। किसी तरह खाट पर लादकर शव को गाड़ी तक लाया गया। बच्ची को कल सांप ने काट लिया था शाम को, उसके बाद आज उसका देहांत हो गया। हम लोगों को जैसे ही पता चला, हम लोगों ने वो किसी जगह के माध्यम से उसके गांव में आए और बहुत ही मशक्क़त के बाद उसके गांव में पहुंचे। 3 किलोमीटर कच्ची सड़क, उसके बाद 1.5 किलोमीटर ऐसे रास्ता था जहां पर बाइक भी नहीं जाती है, पैदल चलते वहां पर पहुंचे। वहां गांव के लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार ही नहीं हुए थे, हो रहे थे। उन्हें समझाया गया कि पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती है और सरकार के रिपोर्ट जाते हैं। बहुत मुश्किल के बाद समझाना पड़ा गांव वाले लोगों को। उसके बाद किसी तरह वहां तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती थी, खटिया में ढोकर उसके डेड बॉडी को रास्ते तक लाया जा रहा है, जो बहुत ही विकास को दर्शाता है कि किस तरह। तो ये हालात देखिए आप, एक हॉकी खिलाड़ी को सांप काट लेता है, लेकिन इलाज के लिए पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, और मौत की वजह आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। सर्पदंश से समय रहते अगर इलाज मुहैया कराया जाए, वैक्सीन लगाया जाए, तो मरीज को बचाया जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचना ही इतना मुश्किल है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। आशीष हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बेहद ही गंभीर स्थिति, एक खिलाड़ी को सांप काट लेता है, लेकिन इलाज पहुंचे उससे पहले ही खिलाड़ी दम तोड़ देता है, और ये हालात सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां उसके घर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। बेहद ही विकट परिस्थिति में ये लोग रह रहे हैं, जैसा तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे, इन परेशानियों के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपक, इस गांव की जो तस्वीरें आज हमने दिखाई, हम खुद वहां तक गए और जो हालात देखे, उसे देखकर यही लगता है कि हम भले 21वीं सदी में विकास का दम भरते हों, लेकिन हकीकत इसके बहुत परे है। जिस गांव में पूरा भारत बसता है, आज वही गांव विकास से कोसों दूर है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज इस खिलाड़ी की मौत हुई है तो बस इसी वजह से कि उस गांव तक कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती थी, नहीं तो हो सकता है कि एम्बुलेंस समय पर आता और इस खिलाड़ी को अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता था। आज भी जब सुबह हम लोग यहाँ गए, प्रशासन के लोग हमारे बाद पहुंचे, पुलिस हमारे बाद पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता ना होना ये सबसे बड़ा कारण बना कि लोग वहां तक पहुंच देर से पहुंचे, सुविधाएं देर से पहुंची, और आज जिस तरह से उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आना पड़ा। जी, गांव वाले बिल्कुल तैयार नहीं थे। गांव वालों का कहना था आने जाने में दिक्कत है, कैसे हम ले जाएंगे, फिर कैसे लाएंगे, मगर काफी समझाने के बाद लोग तैयार हुए और खाट पर किसी तरह शव को रखा गया और 1.5 किलोमीटर तक पैदल पगडंडियों और नालों को पार कर हम ऑटो तक पहुंचे, और एक ऑटो के सहारे 35 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल सिमडेगा लाया गया। तो इससे समझा जा सकता है कि एक गांव जो कि ओलंपिक खिलाड़ी तक पैदा करता है, आज वहां तक मूलभूत सुविधा तक नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो विकास के दम भरते हैं, उन्हें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम उस गांव तक सुविधा नहीं पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, बेहद ही चिंताजनक स्थिति है, इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद आशीष, उन तमाम जानकारियों के लिए।